ये है ओप्पो रेनो 8 5G। ओप्पो ने दो फोन्स निकाले हैं, ओप्पो रेनो 8 एंड ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 8 के बारे में। सो वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है हार्दिक और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जाके सब्सक्राइब करो। ये है ओप्पो रेनो 8 5G। सो कुछ ऐसा है ये फोन, ये कलर है शिमर गोल्ड। वैसे ये एक गोल्ड कलर है लेकिन ग्लिटरी सा फील देता है हमें और अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग लाइटिंग्स पर रिफ्लेक्ट करता है। काफ़ी मज़ा आता है इस फोन को अलग अलग एंगल्स पर देखने में। लाइक कभी कभी ये आपको सिल्वर कलर या फिर रेनबो कलर इफेक्ट भी दिखाई देगा। बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है ये फोन और काफ़ी लाइट वेट है, 179 ग्राम्स का फोन है ये और काफ़ी स्लिम एंड स्लीक डिजाइन के साथ आता है। और फ्रंट की तरफ हमें मिल जाता है 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। और पीछे की तरफ हमें यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में। इसमें हमें 12 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। सो रेनो 8 में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रेनो 8 प्रो और 8 दोनों में ही 12 5G बैंड्स दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ओप्पो एंड वन प्लस काफ़ी मर्ज सी हो गई है, लाइक इसके प्रोडक्शन जो है दोनों फोन्स के वो एक ही जगह पर होते हैं। सो ये काफ़ी सिमिलर है वन प्लस नॉट 2T से। सो एकदम ही फीचर्स में और डिज़ाइन में, अंदर के सारे फीचर्स में बहुत ही सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। ये 6GB रैम एंड 8GB रैम के साथ में हमें मिल जाता है, 128GB स्टोरेज एंड 256GB स्टोरेज के साथ में। और ये फोन काफी स्मूथ चल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले भी इसकी काफी अच्छी है। नीचे थोड़ी सी चिन है लेकिन साइड में और ऊपर बेजल्स बहुत पतले हैं और बहुत ही प्यारी सी डिस्प्ले है, एक एमोलेड पैनल है। सो डेफिनेटली आपको इसमें कलर्स बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। और 90 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ चल रहा है, कलर OS 12.1 है इसमें एंड एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है हमें। लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के फीचर्स सारे भी देखने को मिल जाते हैं हमें और कलर OS एंड्रॉइड 12 को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। एंड इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 चिपसेट जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। इसमें आप आराम से बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो एंड ये डे टू डे टास्क में तो बहुत ही पावरफुल है एंड पावर एफिशिएंट भी है क्योंकि इसमें लगी हुई है पीछे की तरफ 4500 mAh की बैटरी। और इसमें हमें साथ में मिल जाता है 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग USB-A टू टाइप सी केबल के साथ में। गेम्स वेम्स काफी मस्त चल जाती है इसमें और इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, सो स्टोरेज भी काफी फास्ट है। और इसमें भी ओप्पो के एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल है जैसे कि एयर जेस्चर्स, वन हैंडेड मोड। ओप्पो क्लेम करता है कि इसमें 4 साल तक आपकी बैटरी एकदम हेल्दी रहेगी क्योंकि इसमें 5 लेयर्स का चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया गया है और 600 साइकिल्स तक आपकी बैटरी 100% कैपेसिटी पर चलेगी। और इसकी बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर इसके हम कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाता है जो कि इसमें भी फोटोज काफ़ी अच्छी आती है एंड जो कलर्स है, हाईलाइट्स है, उसको अच्छे से हैंडल करता है ये फ़ोन। और इसमें हम 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रंट की तरफ हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है, उसमें भी सेल्फीज काफ़ी अच्छी आती है, बस स्किन को थोड़ी सी सॉफ्ट कर देता है ये फ़ोन, बाकी कलर्स हैं जो स्किन टोन्स है वो मेंटेन करके रखता है नेचुरल। और ओप्पो का जो कलर साइंस है, इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो एकदम ही हमें पंची एंड वाइब्रेंट कलर्स निकाल के देगा इमेजेस में। और ये फोन 30,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, लाइक ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो एकदम ही सिमिलर है वन प्लस नॉट 2T से। सो वन प्लस नॉट 2T भी काफ़ी अच्छा फ़ोन था और ये भी बढ़िया फ़ोन है। इसमें डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको एक बॉक्सी डिज़ाइन पसंद है तो आप ओप्पो रेनो 8 5G ले सकते हैं। और अगर आपको अलर्ट स्लाइडर चाहिए और थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन के साथ आपको फ़ोन चाहिए तो आप नोट 2T भी ले सकते हैं। सो दोनों फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया है अपने अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से और फीचर्स बहुत ही सिमिलर है एक हद तक। और ये फ़ोन मुझे पुजारा की तरफ से प्रोवाइड हुआ है। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो पुजारा में सारी ब्रांड्स के फ़ोन मिलते हैं बेस्ट प्राइस में। सो ये था ओप्पो रेनो 8 5G। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये फ़ोन और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट रिव्यूज़ मैं आपके लिए लेता रहूँ। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे।